124 शिष्य द्रोणाचार्य के मन में ये सोचते थे कि अर्जुन पर गुरु की बहुत कृपा है। 124ों के मन में अर्जुन खटकता था। एक बार द्रोणाचार्य अर्जुन सहित 125 शिष्यों को लेकर नदी किनारे गए, वटवृक्ष के करीब पहुंचे। ओ बेटा अर्जुन, मैं अपनी धोती भूल के आया हूं आश्रम में, जरा जा ले आ। अर्जुन गया, 124 शिष्यों को गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि बच्चों, बाहर के धनुषों में गदाओं में तो शक्ति है, लेकिन मंत्र में अनंत गुनी शक्तियां होती है। सुनो, मैं एक मंत्र अभिमंत्रित करके ये सारे वृक्ष, सारे जो वृक्ष के पत्ते हैं, उन सब को मंत्र के प्रभाव से एक ही बाण से छेद कर सकता हूं। ऐसे भी मंत्र होते हैं, जपने वाला उसका महात्म्य और विधि समझ ले तो मंत्रों में बहुत ताकत है। ऐसा करके द्रोणाचार्य ने धरती पर वो मंत्र लिखा। उसी तीर से, जिस तीर से मंत्र लिखा, उसी तीर को मंत्र से अभिभूत किया और विधि करके बाण छोड़ा, तो बाण एक एक पत्ते को सुराख करता करता गया, सारे पत्तों में छेद हो गए। शिष्यों ने तालियां बजाई, वाह अद्भुत अद्भुत अद्भुत। सुनो सुनो सुनो, नहाने को गए, गुरुजी भी नहाने को गए। अर्जुन आया, उसने देखा कि इस वटवृक्ष के पत्तों में पहले तो छेद नहीं थे, मैं सेवा के लिए गया, गुरुजी ने इन शिष्यों को कोई रहस्य सिखाया है। रहस्य सिखाया है तो रहस्य का कोई सूत्र भी होगा, रहस्य की शुरुआत भी होगी और रहस्य का कुछ निशाना होगा। अर्जुन ने इधर उधर छान मारा तो धरती पर वृक्ष छेदन, पत्ता पत्ता छेदन करने के सामर्थ्य वाला ये मंत्र अद्भुत है, ऐसा करके गुरु ने जो लिखा था उसको पढ़ने में आ गया। उसने वो मंत्र पढ़ा और फिर यहां धारणा की और दृढ़ निश्चय किया कि ये मेरा मंत्र सफल होगा ही। एकाग्रता तो थी, ब्रह्मचर्य यौवन सुरक्षा का बल तो था। अर्जुन ने उठाया तीर और दे मारा मंत्र सिद्धि से। अब एक एक छेद था, दूसरा भी एक एक छेद हो गया। अर्जुन को संतोष हुआ कि गुरुजी ने उनको विद्या सिखाई, लेकिन मैंने भी गुरुजी की ये विद्या पा ली। गुरुजी नहाकर बाहर आए, देखा सब विद्यार्थियों ने देखा कि वृक्ष को तो एक एक छेद था, दूसरा किसने किया? क्या बच्चे तुम 124 में से किसी ने किया क्या? बोले नहीं गुरुजी, हमने नहीं किया। जब अर्जुन से पूछा कि अर्जुन तुमने किया, अर्जुन थोड़ा डर गए, लेकिन सत्य बोलने वाला अर्जुन झूठ कैसे बोले? गुरुजी मैंने आपकी आज्ञा के बिना आपके मंत्र का इसलिए प्रयोग किया कि इनको आपने सिखा दिया है, मैं अकेला आपका समय ना खराब करूं तो इतना मैं सीख लूं, इसलिए मैंने इसका प्रयोग किया। गुरुजी गलती हो गई तो माफ करना। गुरुजी ने कहा नहीं अर्जुन, तुम में जिज्ञासा है, तुम में संयम है,
सीखने की तुम्हारी तड़प है और मंत्र में तुम्हारा विश्वास है, ये तो खाली तालियां बजाकर नहाने चले गए। इन्होंने किसी ने दूसरा छेद करने का सोचा ही नहीं। तुमने हिम्मत की और तुम मेरे सतपात्र हो। अर्जुन, तुमसे बढ़कर दूसरा कोई धनुर्धर होना मुश्किल। तुमको ऐसा बनाऊंगा कि तुम अव्वल नंबर के होगे। एकलव्य थोड़ा हो रहा था तो गुरु जी ने दिया हुआ वचन पालकर एकलव्य का अंगूठा ले लिया। शिष्य और जिज्ञासु ऐसा हो कि गुरु का दिल ढल पड़े, ऐसा नहीं दो बूंद बरसात आई तो भग गया, थोड़ी देर हुई और फिर मैं बीच में भग गया। नहीं, बैठे हैं तो बैठे हैं, होगा तो क्या होगा। मंत्र विज्ञान पा रहे हैं, रक्त के कण शुद्ध हो रहे हैं, अंदर के जो सात केंद्र हैं जिससे सारे मानव जीवन का संबंध है, वो सातों के साथ विकसित हों ऐसी शिविर मिली है। तो इसमें आवारा टाइप का मन अगर किसी का हो तो वो भी सुधर जाए।